मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फर्स्ट क्लास। टुडे डिस्कस अवर फॉर द टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मॉनिटर कैलिपर कैसे काम करती है, माइक्रोमीटर कैसे काम करती है, स्क्रू गेज कैसे काम करती है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ट्राई स्क्वायर का यहाँ पर सिंपल सा फंडा है सर। या फिर इसका यूज़ हम सिंपली किस लिए करते हैं, जैसे आपने ईडी बनाया होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने डिप्लोमा किए हैं या फिर बीटेक करिए, तो वहाँ पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को सीधी लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बनाने के लिए सिंपल सा एक ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, यूज़ फॉर द लेआउट ऑफ द चेकिंग एंड सेटिंग अप वर्क। कोई भी वर्क हम लोग सेटिंग करना है कि प्रॉपर एंगल पे है या नहीं, 90 डिग्री पे है या नहीं, स्ट्रेट है या नहीं है। ठीक है, बीम एंड प्लेट ऑफ ए राइट एंगल। कोई भी हमारा मान लीजिए बीम बना रहे हैं, तो बीम हमारा राइट एंगल पे है या नहीं है, उसका प्रॉपर एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का काम करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। इसका क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्क्वायरनेस आर हार्ड एंड, इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेट 90 डिग्री बता के हमको देता है ये। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखिए सिंपली बना कैसे रहता है, सिंपली ये दो चीज़ें बना होता है, एक हमारा स्टॉक होता है जिसमें हमारा क्या होता है, ब्लेड फिक्स होती है। ठीक है, ये हमारा ब्लेड है जो एक स्टॉक पर फिक्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्टॉक, ये हमारा एक हैंडल की तरह काम करता है, जिसे हम लोग पकड़ते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और ये ब्लेड हमको क्या करती है, उसका प्रॉपर स्ट्रेटनेस बताती है और उसका एंगल बताती है कि हमारा प्रॉपर एंगल पर 90 डिग्री पे है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इजीली हम लोग काम कर सकते हैं। अगर ईडी में हम लोग कोई ड्राइंग बनाते थे, क्या कहते थे, स्केल में हम लोग लेते थे, यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते थे, तो इससे हम लोग क्या करता है, इस स्ट्रेटनेस अच्छा बनता था। इस तरह का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आई होप यू कैन स्टैंड। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।